हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हैंड टू हार्ट में। आज एक ट्रेडिशनल स्वीट लेकर आई हूँ, देखकर समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। ये है मालपुआ। लगभग सभी प्रांत में अलग अलग तरीके से मालपुआ बनाया जाता है। स्पेशली अगर कोई फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, तो ठाकुर जी या भगवान को भोग लगाया जाता है। आज मैं यहाँ पर चार तरीके के मालपुआ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखें। चाहे कितनी भी नई नई मिठाई है ट्राई कर लो, लेकिन ट्रेडिशनल स्वीट खाना बहुत ही अच्छा लगता है सबको, तो शुरू करेंगे। लेकिन वीडियो देखने के बाद अगर एन टू आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी नई नई रेसिपीज आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम 1/4 कप यानी 1 कप का चौथा हिस्सा हम लेंगे गुड़। गुड़ की जगह आप शक्कर भी ले सकते हो, लेकिन गुड़ थोड़ा ज़्यादा हेल्दी होता है। 1/2 कप पानी ऐड करके इसका इस तरह से पानी रेडी करेंगे, मीठा पानी, जिसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप गेहूं का आटा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गेहूं के आटा थोड़ा स्टिकी होता है, तो इसको प्रॉपर मिक्स करना जरूरी होता है, ताकि इसमें गट्ठे ना रहे। फिर इसको ढककर हम छोड़ देंगे करीब 1 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे इतना ही इसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो हो सके तो इसको रेस्ट दे। फिर 1 घंटे के बाद अगर ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो पानी ऐड करके हम प्रॉपर कंसिस्टेंसी बना लेंगे। अगर मिक्स करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा बेटर हम इसमें से अलग करेंगे, और इसमें ऐड करेंगे हम वरियाली और काले मरी। ये हम डीप फ्राई करने वाले हैं मालपुआ। थोड़ी सी वरियाली और करीब 5-7 दाने हम काले मरी के लेंगे, और इसमें ऐड कर देंगे। साबुत ही ऐड करना है। इस तरह के मालपुए अगर आप गुजरात की साइड मंदिरों में भी त्योहारों पर जाते हो, तो ये आपके को प्रसाद के रूप में भी मिलते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर, आप चाहो तो घी भी ले सकते हो तलने के लिए। एक फ्लैट तवा ले इस तरह का, और उसमें हम ऑयल गरम करके तलेंगे इस तरह से। थोड़े थोड़ा ब्रेड बैटर जो आप ऐड करते जाइए और तलते जाइए, और एक तरफ गोल्डन होने के बाद इसको टर्न कर लीजिए, और दोनों साइड गोल्डन होने तक तलेंगे। ये रेडी है। इस तरह से सारे मालपुए हम बनाएंगे। वरियाली से गार्निश करेंगे, तो गरम गरम मालपुआ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है ये गुड़ और आटे से बना मालपुआ। ये हमने बनाया डीप फ्राई करके, और जो प्लेन बैटर हमने छोड़ा था उससे हम शैलो फ्राई करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इस तरह से होनी चाहिए ये मालपुआ बनाने के लिए। ये लोहे का तवा ही लिया है, जिस पे हम रोटी सेकते हैं। घी स्प्रेड कर दिया, और इस तरह से थोड़ा सा बैटर हम स्प्रेड करेंगे हल्के हाथ से। ये प्रोसीजर ध्यान से करनी जरूरी है, वरना ये टूट जाता है। आप देख सकते हो स्टिकी होता है बैटर, तो चम्मच के साथ ये चिपक जाता है। अगर ये प्रोसीजर आप इस तरह से कार्डबोर्ड से करते हो, तो ये बहुत ही इजीली बनते हैं। ये आप टेक्निक जरूर ट्राई करें एक बार। दोनों तरफ घी लगाकर सेक लेंगे हम। और गोल्डन होने पर इसको निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। तो ये रेडी है।
जिसको आप पूड़ा पुड़ला या फिर मीठे चिल्ले भी कहते होंगे। चलिए अब तीसरी तरह के मालपुआ यानी राजस्थानी स्टाइल के मालपुआ बनाएंगे हम। मैदा लिया है एक कप, एक बाउल में ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे हम सूजी, करीब 1 से 1.5 चम्मच सूजी ली है यहाँ पर। 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करूँगी मैं, चम्मच आप देख सकते हो, मैं रेगुलर चम्मच जिसमें हम खाना खाते हैं वही लिया है। और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच प्योर घी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पानी से बैटर प्रिपेयर करेंगे। चाहो तो दूध भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी हमने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, फिर भी अगर आप चाहो तो ये बैटर दूध से भी बना सकते हो। इसको भी प्रॉपर मिक्स करना बहुत जरूरी है, मैदा है इसमें गट्ठे ना रह जाए, खास ध्यान रखें। और इसको भी हम छोड़ देंगे ढककर करीब आधा घंटा के लिए। और जब तक इसको रेस्ट देते हैं हम इसके लिए चाशनी प्रिपेयर कर लेंगे। एक कप शुगर ली है, हमने 1 कप आटा लिया था तो 1 कप शुगर इनफ होगी। और उसमें 1/2 कप पानी ऐड करके इसको हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी आपको ज़्यादा 1 तार या 4 तार की नहीं बनानी है, जस्ट आप जैसे जलेबी या फिर गुलाब जामुन की बनाते हो वैसे ही चाशनी बनानी है। और ये जो बैटर था उसमें हम थोड़ा सा पानी अगर ज़रूरत लगे तो ऐड करेंगे और फिर ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करेंगे ताकि इसके ये जो बैटर है हमें स्मूथ बैटर मिले, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा अगर इस तरह से आप बैटर प्रिपेयर करते हो। अगेन मैंने ऑयल गरम कर लिया है, आप चाहो तो घी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक टिप शेयर करूँगी मैं, एक टेक्निक। चाशनी में इस तरह से 1 चम्मच प्योर घी ऐड कर दीजिए, इसको आप इससे आपको जो मालपुआ है उसमें अच्छी फ्लेवर मिलेगी, प्योर घी की फ्लेवर मिलेगी। ये बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की हमें रखनी है। ऑयल गर्म हो गया है तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर हम ऐड कर देंगे और दोनों तरफ से तल लेंगे गोल्डन होने तक। एक तरफ थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो इसको हम टर्न कर लेंगे। दोनों तरफ गोल्डन हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे और डिप करेंगे चाशनी में। आप चाहो तो चाशनी में पहले से इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो। इसी तरह से सारे मालपुए बनाएंगे हम। अगर सही क्वांटिटी में आप डालते हो तो सभी मालपुए एक स्तर के होंगे, इस तरह से बहुत ही एट्रेक्टिव लगते हैं ये मालपुए। इस तरह से चाशनी में घुमाकर आप डिप कर लीजिए तो ये रेडी है। इलायची, काजू बादाम और पिस्ता से गार्निश करेंगे। तो दिखने में ही बहुत ही टेस्टी है, उतने ही खाने में भी टेस्टी है। अब यही मालपुआ को मैंने एक अलग फ्लेवर दी है यहाँ पर, मैंगो मालपुआ। चलिए उसकी भी रेसिपी देख लेते हैं। 2 चम्मच मैंगो प्यूरी ली है जिसमें हम ऐड करेंगे बनाया हुआ बैटर करीब 4 चम्मच जितना।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको भी हम तल लेंगे सेम प्रोसीजर से। दोनों तरफ गोल्डन होने तक इसको तलेंगे और फिर इसको भी हम चाशनी में ऐड कर लेंगे। ये चाशनी में मैंने कुछ ड्रॉप्स मैंगो एसेंस के ऐड कर दिए ताकि इसमें मैंगो की फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो ये रेडी है मैंगो फ्लेवर वाले मालपुआ। ये भी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं, ज़रूर ट्राई करें। ट्रेडिशनल में भी कुछ नया मिल जाए तो इसका मज़ा ही कुछ और है। इसको भी हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर से। तो रेडी है मालपुआ, आटा से बना हुआ मालपुआ और ये मैदा से बना हुआ मालपुआ। कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताएं।